धन्यवाद करते हुए आप हमारे लोगों के बीच आए और हमारी समस्याएं सुनी सर, और उनका समाधान भी किया है मौके पर आपने, और डीसी साहब और आपका प्रशासन का भी बहुत बहुत अच्छा कार्यक्रम है, वो कार्य कर रहे हैं बढ़िया हमारे एरिया में। सर मेरी आपके रिक्वेस्ट है, मेरी दो तीन मांगे हैं और सांची है जी चार पांच। एक मांग जो सबसे आपको लगता है कि महत्वपूर्ण है, जरूर बच्चों तो आगे तीनों हमारे पास, आप एक बताओ। सर मुझे तो सभी महत्वपूर्ण लगती है, फिर भी एक प्रायोरिटी की होती है ना, ये तो पहले जरूर कर ली। सर पहले तो मैं तो दो तो मैं तो जरूर ही कहूंगी सर, एक तो हमारे गांव में पीएससी है सर, उसको सीएससी करो आप। अच्छा, इससे 7-8 गांव को फायदा मिलेगा आसपास के गांव में। एक और दूसरा, सर हमसे दूर है सर। दूसरा, और दूसरा मैं गरीब और घगर नदी से मतुवाला गरीब चैनल है जो सर सुदेव मायनर के बरोबर, उसको 2-3 किलोमीटर आगे बताए सर। ठीक है, वो डिमांड जैसे पहले एक आई है 90,000 से 1,29,000 की फ्री चैनल है, ये जरूरी है। इरिगेशन को हमने कह दिया, सारी जितने भी गरीब चैनल हैं सभी का एक बार हम उसका करा रहे हैं, मूल्यांकन करा रहे हैं कि कहां कौन सी बढ़ानी ठीक रहेगी, जहां खास करके डार्क जोन है ना उनको बढ़ाने की कोशिश हमारी पहले थी। लेकिन भरी सभा को आके डिस्टर्ब करना, उसमें व्यवधान डालना, ये निंदनीय है ना, इसकी निंदा करते हैं कि नहीं? जो ऐसे व्यवधान डालने की प्रक्रिया को निंदा करता है वो हाथ खड़ा कर दे, बाकी निंदा नहीं करते। फिर समझ लो, जो हमारी सभा में आके खलल डाले, इसको डिस्टर्ब करे, इसको खराब करे, वो ठीक है कि गलत है? तो गलत है तो उसकी निंदा करते हैं ना, आज जो निंदा करता है वो हाथ खड़े करो। अब समझ में आया? बात समझ में आती है, ध्यान थोड़ा मेरी तरफ लगा के रखोगे तो ठीक हो जाएगा। ये बेटी आ गई, इसको ये चॉकलेट का भी एक डिब्बा और इसको साथियों को बांटने के लिए चॉकलेट और खरीद कर उनको भी देना, ठीक है? शाबाश। इस बेटी का जन्म आज के दिन का है, 15 मई का, और मैं हरियाणा के ऐसे सब लोगों को जिसका जिसे जन्मदिन होता है उसको एक बधाई का संदेश भी भेजता हूँ। आपके भी किसी दिन फोन की घंटी बज जाएगी या SMS आ जाएगा जिस दिन आपका जन्मदिन होगा। एक और नौकरी है वो बच्चियों से मिलती थी, तो अब जो है लोग एक तो पढ़ने बहुत तो बच्चे एग्जाम की तैयारी करने लग गए और पढ़ने लगे, तो नौकरियां हैं वो सिर्फ पढ़े लिखे युवाओं को ही मिल रही है, पर्चियों वाला सिस्टम नहीं रहा जी। अब जो पर्ची पकड़ाते थे पैसे की पन्न भर के ले आते थे, कचड़ी जिसको कहते हैं, मुझे याद है जी कांग्रेस की सरकार थी जी, मेरे सारे वो क्लियर थे, 7 लाख रुपए मांगे थे। अच्छा, तो मैंने दिए नहीं, वो नौकरी नहीं मिल पाई। और अब तो ठीक है जी, अब तो सिस्टम बढ़िया हो गया, तैयारी भी कर रहे हैं जी बच्चे, तैयारी भी कर रहे हैं, सारे युवा तैयारी कर रहे हैं जी, बहुत बढ़िया सिस्टम बना दिए जी आपने। तो कुल मिला के देखिए, जो 8-10 साल पहले स्थिति थी, अब उसमें परिवर्तन ये आया कि बच्चे पढ़ लिख करके जो योग्य बच्चे हैं वही लगेंगे, और इससे किसी को नाराजगी नहीं होती। पहले तो अगर एक आदमी सिफारिश से लग गया तो 20 लोग नाराज होते थे, इसकी सिफारिश से लग गया हम रह गए। लेकिन अब चूंकि होशियार बच्चा लगता है तो जो नहीं लगा उसको भी लगता है भाई था तो ये होशियार था इसलिए लग गया, मैं होशियार हो जाऊंगा मैं भी लग जाऊंगा। पढ़ाई की कीमत हो गई है, अब तो जो लाइब्रेरी है उसमें भी जगह नहीं है पैर रखने की, और कोचिंग सेंटर भरे पड़े हैं, जो बिल्कुल खाली पड़े थे वो कोचिंग सेंटर में, यानी बहुत बच्चे जो है तैयारी के लिए एग्जाम के लिए जाने लग गए हैं।